हेलो स्टूडेंट्स, आई होप योर स्टडीज आर गोइंग वेल। आज हम लोग सीखेंगे कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो चलिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इरेशनल नंबर का अपनी तरफ से। तो सबसे छोटा इरेशनल नंबर अंडर रूट टू होता है, तो चलिए मैं सबसे पहले अंडर रूट टू को अपनी तरफ से ले लेता हूँ। रूट टू को हम लोग यहाँ पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने एक नंबर लाइन दिखाई दे रही होगी। इस नंबर लाइन पे मैंने नेगेटिव नंबर्स नहीं लिए हैं, सिर्फ जीरो के बाद पॉजिटिव नंबर्स लिए हैं, आप इसे ले सकते हैं। साथ में मैंने जीरो के बाद इक्वल डिस्टेंस पर कट्स लगाए हैं, जो कि 1, 2, 3, 4 आपकी स्क्रीन के सामने हैं। ये आप इक्वल डिस्टेंस रखना है। ये यहाँ पे मैंने जो इक्वल डिस्टेंस रखा है, ये मैंने 3 सेंटीमीटर का लिया है। आप चाहे तो 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, आप चाहे तो 1 इंच ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा जीरो है, इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ। चलिए मैं इसको अपने तरफ से एक नाम दे देता हूँ, ओ। ठीक है, ये ओ हमने एक नाम दे दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमें रूट टू को रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग 1 यूनिट डिस्टेंस लेंगे। 1 यूनिट डिस्टेंस ये जो मैंने ले रखी है अपने तरफ से 3 सेंटीमीटर की, ये हमने ले ली। अब 1 पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर आपको कंपास के यूज से ड्रॉ करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में से गिवन है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी अपने तरफ से प्रोटेक्टर से इसको ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ से आपको 1 से एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं एक सबसे पहले एक प्रोटेक्टर ले लेता हूँ और एक 90 डिग्री का एंगल 1 से ड्रॉ कर देता हूँ। अब आपको इसमें 1 यूनिट कट करना है। इसमें से आपको जितना डिस्टेंस आपने ये रखा था, इनके बीच का सेपरेशन रखा था, उतना ही डिस्टेंस रखते हुए आपको ये कट लगाना है कि यहाँ पे। अब आपको ये दोनों को ज्वाइन कर देना है। इसका पहले आप इस कट को एक नाम दे दीजिए अपने तरफ से। तो मैं काम करता हूँ, इसका पहले 1 पॉइंट को नाम देता हूँ अपने तरफ से ए, और जो आपका जो ऊपर कट लगा है उसको मैं अपने तरफ से नाम देता हूँ बी। अब मैं ओ और बी को ज्वाइन कर दूंगा। सिंपली ओ और बी को मैं ज्वाइन कर देता अपनी तरफ से। अब आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हम लोग रूट टू की बात कर रहे हैं, तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ की डिस्टेंस देखते हैं। यहाँ की जो डिस्टेंस है हमारी 1 यूनिट से, यहाँ पे भी हमारा 1 यूनिट का हम लोग ने कट लगाया था, दोनों डिस्टेंस 1 है। अब हम लोग थोड़ा पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है हमारा, तो 90 डिग्री के एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे तो हमें ये डिस्टेंस निकल आएगी, और ये डिस्टेंस हमारी आएगी रूट टू। आप लोग लोअर क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हैं, तो उसका डिस्कस मैं यहाँ पे करूंगा नहीं। 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर = 2, और रूट लग जाएगा तो रूट टू। इसे आप अपनी स्क्रीन के साइड पर देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि कैसे मैंने पाइथागोरस लगाई है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ओ से और बी की एक डिस्टेंस लेंगे अपने कंपास में से, ऐसे ऐसे ले लेंगे। एक मिनट में ले लेता हूँ अपनी तरफ से। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक डिस्टेंस ले ली ओ से बी की तरफ, ओ और बी एक डिस्टेंस ले ली कंपास में। अब आपको कंपास की निडल को ओ के पॉइंट ओ की तरफ रखना है, और बी की तरफ पेंसिल की निडल को रखते हुए एक आर्क ड्रॉ करनी है। एक आपको आर्क ड्रॉ करनी है, और ये आर्क जहां पे आप नंबर लाइन को टच करेगी, जिस पॉइंट पे भी टच करेगी, वो पॉइंट आपका रूट टू हो जाएगा। उस पॉइंट का आप कोई नाम दे सकते हैं, जैसे कि इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूं पी, और यही पी हमारा यहां पे है रूट टू। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे वाले स्टेप में बढ़ते हैं। अगर हमें जैसे रूट थ्री रिप्रेजेंट करना हो, रूट थ्री, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट थ्री के लिए हम लोग यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे। स्टेप को वही रखेंगे, हम लोग क्या करेंगे एक परपेंडिकुलर और डालेंगे और बी पॉइंट से डालेंगे। तो चलिए यहां पे मैं एक परपेंडिकुलर डाल दे अपने तरफ से डाल देता हूं बी पॉइंट से। ये कंपा ये प्रोटेक्टर का यूज करते हुए मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं, और आपको इसकी डिस्टेंस भी 1 यूनिट रखनी। और आपको याद रखना कि आपको 1 यूनिट जो था, मैंने यहां पे 3 सेंटीमीटर लिया था, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया। अब आपको क्या करना है, जैसे कि हम लोग पुराने जो डिस्टेंस ले रखी थी 0, 1, 2, इन सबके बीच का सेपरेशन था, उसको अपने माइंड में रखना है 3 सेंटीमीटर, उतना ही कंपास में फिल कर लेना है।
और अब आपको एक और यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए पहले। ये ज्वाइन करने से पहले आप इसको कट लगाइए, एक यहाँ से 1 यूनिट की कट। अब आप अपना इसे ज्वाइन कर सकते हैं इस पॉइंट को, ओ से इस पॉइंट का आप नाम दे सकते हैं जो कट लगाया था, सी। अब आपकी याद रखना होगा कि आपका ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये आपका 1 यूनिट का एक है, 1 यूनिट डिस्टेंस है। अब आप यहाँ पे दोबारा से आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, और पाइथागोरस लगाने के बाद आप ये वाले डिस्टेंस को √3 देखेंगे। जब आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस को तो आपको √3 मिलेगी। इसे आप अपनी स्क्रीन की राइट साइड पर देख सकते हैं कि कैसे मैंने उसी √3 निकाला है, ये वाला पॉइंट। अब आपको अपने कंपास में इतनी डिस्टेंस को ही लेना है, और यहाँ से एक और आर्क आपको ड्रॉ कर देनी है, और आर्क आपकी नंबर लाइन की तरफ टच करनी चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे, ये हमारी टच हो गई। तो ये पॉइंट जहाँ पे भी टच करेगी नंबर लाइन को, इसका आप कोई नाम दे दीजिए, मैं अपनी तरफ से क्यू दे दे रहा हूँ, और ये क्यू पॉइंट हमारा हो जाएगा √3। तो ये यहाँ पे हम लोग √2 और √3 को रिप्रेजेंट करना सीख गए। लेकिन जब हम लोग अगर अगर हमें √5 रिप्रेजेंट करना हो, तो आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर इस यही स्टेप को करेंगे तो आपका √4 आएगा, जो कि 2 पे आएगा। लेकिन अगर आपको √5 रिप्रेजेंट करो, तो आप ये बार बार स्टेप दोहराते रह जाएंगे, आपको बहुत टाइम इसमें वेस्ट होगा। तो इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि जिससे आप √5 डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सके एक नंबर लाइन पे। तो चलिए इस बार मैं ले लेता हूँ √5 अपनी तरफ से, √5 को। अब हम लोग √5 थोड़ा बड़ा नंबर है, हम लोग पुराने स्टेप को लगाएंगे, तो हमें √2 को पहले रिप्रेजेंट करना होगा, फिर √3, फिर √4, ऐसे करके हम √5 तक पहुंचेंगे। इसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, तो हम लोग इसको डायरेक्ट करते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग √5 को पहले थोड़ा स्प्लिट करते हैं, उसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। √5 को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, √5 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, या 1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले देखेगा हम लोग इसको यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा √4 प्लस 1, और ये आ जाएगा √5, मतलब वापस से बात यहीं आ गई। तो हम लोग इस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखा, तो सबसे पहले हम लोग 2 यूनिट्स लेंगे। जैसे कि हमने पिछले अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि इक्वल सेपरेशन होना चाहिए सबके बीच में, जैसे कि आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है, सबके सामने इक्वल सेपरेशन होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 यूनिट्स पर सीधा जाएंगे, और यहाँ से इस बार परपेंडिकुलर लगाएंगे 90 डिग्री। तो यहाँ 2 यूनिट से हम लोग परपेंडिकुलर लगाते हैं। मैं यहाँ पे प्रोट्रैक्टर का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, और ये मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ। अब आपको जो सेपरेशन आपका था वो इस पॉइंट पे लेके कट लगा दीजिए, 1 यूनिट का कट होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे 1 की बात हो रही है, यहाँ पे 2 की बात हुई थी तो हमने 2 ले लिया, अब 1 की बात हुई तो 1 यूनिट का कट लगा दिया। अब हम लोग इन इन सब पॉइंट्स को नाम देते हैं। मैं अपने तरफ से इस पॉइंट को नाम देता हूँ सी, और इसको नाम देता हूँ डी। अब आप डी और ओ को ज्वाइन कर दीजिए, स्केल का यूज़ करके आप डी और ओ को ज्वाइन कर दीजिए। डी और ओ को आपने ज्वाइन कर दिया, तो आपने कंपास में इतना डिस्टेंस ले लेते ले लीजिए ओ और डी के इक्वल। ये मैं यहाँ ले लेता हूँ ओ और डी के इक्वल डिस्टेंस। अब आप अपनी कंपास की नीडल को ओ पे रखते हुए और पेंसिल की नीडल को डी पे रखते हुए एक आर्क बना दीजिए जो नंबर लाइन को टच करे, और जिस पॉइंट पे ये टच करे नंबर लाइन को, उस पॉइंट का भी आप कोई नाम दे दीजिए। मैं अपनी तरफ से आर देता हूँ नाम, यहाँ पे परपेंडिकुलर था, और यही आर हमारा बन जाएगा √5। तो सिंपली हम लोग इस तरह से भी डिनोट ये √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा आपको इतना ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं कि आप पहले √2 रिप्रेजेंट करें, फिर √3, फिर √4, फिर आप √5 पे आएँ। आप लोग डायरेक्टली भी इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़ा आपको यहाँ पे स्प्लिट करना होगा। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और स्टूडेंट्स को भी इससे हेल्प हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।